घोड़ी पर निकली दलित दुल्हने तो भड़क उठे पंचायती। दुल्हनों का जलवा देख खा पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान। दलित परिवार पर लगाया जुर्माना, हुक्का पानी भी बंद किया। ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर शहर के सिवाना से आई हैं। यहाँ के मेली गांव में जब एक दलित परिवार की दो दुल्हने घोड़ी पर चढ़कर निकली तो घटिया मानसिकता वाले लोगों की कुंठाएं सुलग उठी। मेली गांव में दो दुल्हन की बिंदोरी घोड़ी पर निकालने पर समाज के पंचों को रास नहीं आया। जातिवादियों ने पंचायत बुलाकर तुगलकी फरमान सुनाते हुए समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया और परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो परिवार पर जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल मेली गांव के शंकरा राम ने अपनी दो बहनों की शादी 6 फरवरी 2023 को की थी। शादी प्रोग्राम में बहनों की बिंदोरी रिवाजों से अलग हटकर घोड़ी पर निकाली गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि लड़का लड़की बराबर हैं। आज बेटियां भी हर काम में बराबरी का अधिकार रखती हैं, इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, इसलिए उसने अपनी बहनों की बिंदोरी घोड़ी पर निकाली। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो पॉजिटिव मैसेज वो समाज में देना चाह रहा है वो पंचों को रास नहीं आएगा। समाज के पंचों को लड़कियों की घोड़ी पर बिंदोरी निकालना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो शादी के करीब 2.5 महीने बाद पंचों ने सिवाना में खा पंचायत बुलाई। बहनों के भाई को भी बुलाया गया और परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का तुगलकी फरमान सुना दिया। 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। पूरे समाज को पाबंद किया गया है कि कोई इसके परिवार से किसी भी प्रकार का रिश्ता, आना जाना और बोलचाल ना रखे। शंकरा राम ने अब पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के बराबर स्थान मिल सके, इसलिए उसने ऐसा किया था। लेकिन समाज में कुछ संकीर्ण मानसिकता के पंचों को ये बात पसंद नहीं आई। मंगलवार को सिवाना में रामदेव के मंदिर में समाज के पंचों ने सभा बुलाई, जिसमें पूरे परिवार के समाज को बहिष्कृत कर दिया गया। वहीं 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और कह दिया गया कि किसी अन्य समाज के लोगों के साथ इनका कोई संबंध नहीं होगा और जो संबंध रखेगा उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिल चुकी है, हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया कि भले ही हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज भी आदम युग की तरह पुरानी प्रथाओं को ढो रहे हैं, जो कभी जाति के आधार पर तो कभी लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें। आप चाहते हैं कि हम आप तक इस तरह की जरूरी खबरें लाते रहें, इसलिए आपको हमारी आर्थिक मदद भी करनी होगी। आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे हम तक अपनी आर्थिक मदद जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट डिटेल्स में भी अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं, साथ ही आप UPI के जरिए भी हमें मदद कर सकते हैं। आप 12A और 80G के तहत सर्टिफिकेट लेकर इनकम टैक्स में भी रिबेट हासिल कर सकते हैं। आपसे अपील है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का सहारा बने और इसका समर्थन जरूर करें। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, इस भेदभाव पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमें सोशल मीडिया के हैंडल्स पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।